मिठाई आपने बहुत तरह की बनते हुए देखी होगी और ज्यादातर को देखकर आपको ये लगा होगा कि इन्हें हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाया जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की सबसे हाइजीनिक मिठाई की मेकिंग। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इसमें हाइजीन कहाँ है, लेकिन आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना पेठा लिया गया है, इसे काटा जाएगा और अब पेठा काटने के बाद जिस भी शेप की अपने पेठे की मिठाई बनानी है उस शेप की इससे बाहर निकाले जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, जो बाहर बाहर का होता है वो इस्तेमाल किया जाता है बस। तो गाइस जितना भी ये बीच का हिस्सा है वो सारा इसमें से निकाल लिया जाएगा और जो बाहर बाहर का हिस्सा है उससे बनेगी मिठाई। बीच के इसके बीज निकालने के बाद देखिए इसे छीला जा रहा है और अंकल छीलने के बाद क्या किया जाएगा इसमें, इसकी गुदाई होगी। तो एक छिलका निकाल लिया गया है, अब इसे गुदाई के लिए लाया गया है। गुदाई मतलब इसमें छेद किए जाएंगे बहुत सारे। तो भैया गुदाई की किस लिए जाती है, छेद क्यों किए जाते हैं इसमें? छेद इसमें इसलिए किए जाते हैं ताकि इसमें चाशनी जा सके अंदर। अच्छा, चाशनी इसमें अंदर तक जा सके। तो गाइस देखिए जो पेठा अपना छिलके आया है इसमें काउंटलेस छेद किए जाएंगे। अच्छा, दोनों साइड से होगी गुदाई भी, आप देख सकते हैं बिल्कुल माइन्यूट छेद आपको नजर आ रहे होंगे। आप देखिए गाइस गुदाई हो चुकी है पेठे की और यहां से जा रहा है चूने के पानी में। तो भैया कितनी देर रहेगा चूने के पानी में? 1 घंटे। तो ये अपना डाल दिया गया चूने के पानी में और जो पेठा पहले से ही चूने के पानी में 1 घंटे से, वो अब निकाला जाएगा और फिर काटा जाएगा उसको। तो ये वो पेठा है जो पिछले 1 घंटे से चूने के पानी में है, अब इसे निकाल के इसकी कटिंग की जाएगी। ये देखिए इसको स्क्वायर शेप में काट लिया जाएगा पेठे को। तो भैया पेठा चूने के पानी में क्यों डालते हैं? अच्छा, इससे टाइट हो जाता है। तो गाइस देखिए अब सारा पेठा अपना काटा जा चुका है, 1.5 का 1.5 क्विंटल। कोई 1 घंटा जो पेठा है ये चूने के पानी में रहा है जिससे कि पेठा जो है थोड़ा टाइट हो जाए। अब इसे चूने वाला जो पानी है इससे बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए गाइस जितना भी अपना पेठा है अब सारा चूने के पानी से बाहर निकाल लिया गया है। अब इसकी धुलाई की जाएगी, उधर देखिए बिल्कुल साफ पानी भरा हुआ है, वहां से पानी लाया जाएगा और उसके बाद इसकी धुलाई की जाएगी कि जो इसमें चूने का पानी है वो सब बाहर निकल जाए। आप देखिए चूने का पानी जो है वो सारा कढ़ाई से बाहर निकाल दिया गया है। आप देखिए धुला जा चुका है, धुलने के बाद ये खाली कढ़ाई में डाला जा रहा है। अब इसे फिर से धुला जाएगा तो साफ पानी डाला जा रहा है कढ़ाई के अंदर। पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से हिलाया जा रहा है कि जितना भी चूने का पानी पेठे पे लगा है वो सारा साफ हो जाना चाहिए। तो भैया यहीं इसकी सफाई पूरी हो जाएगी, इसके बाद भी धुला जाएगा, अभी और भी धुला जाएगा। बहुत हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया जाता है। एक बार धुलने के बाद देखिए पेठा फिर से डाला जा रहा है इसके अंदर। दोबारा पेठा डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से धुला जा रहा है और पूरा हिला हिला के धुला जा रहा है कि जितना भी चूने का पानी इसमें लगा है सारा हट जाए पेठे में से। धुलने के बाद फिर से इसे बाहर निकाला जा रहा है और अभी भी जो धुलाई है वो खत्म नहीं हुई है। ये धुलने का प्रोसेस 3 बार होता है यहाँ पे। एक और बार धुलाई होने के बाद इसका पानी फिर से निकाला जा रहा है। पेठे में जितना भी पानी था वो देखिए सारा निकाला जा चुका है और अभी भैया और धुलाई होगी इसकी। अच्छा, एक बार और धुला जाएगा। तो बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि पेठे में साफ सफाई नहीं रहती है। आप देखिए कितनी बार तो इसे धुला जा रहा है, 2 बार धुलाई हो चुकी है और 3री बार देखिए पानी डाल के फिर से अच्छे से साफ किया जा रहा है। अब देखिए 3री बार धुलाई होने के बाद पेठा बाहर निकाला जा रहा है और अभी भी अगर आपको लगता है सफाई का प्रोसेस पूरा हो गया तो अभी समझिए शुरू ही हुआ है। अब देखिए पानी निकल चुका है पेठे से और अभी इन्हें गर्म पानी में डाला जा रहा है भैया उबालने के लिए। अब पेठे को उबाला जाएगा, 1/2 घंटा हो चुका है और देखिए पेठा कितने अच्छे से इसमें अब उबल रहा है। तो जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि पेठे की मेकिंग हाइजीनिक नहीं है, 4 बार धुलाई की गई है और उसके बाद इतने हाई टेम्परेचर में जो पेठा है वो उबल रहा है, तो जो भी बैक्टीरिया होगा वायरस होगा मतलब ही नहीं बनता कि इसमें बच जाए। पेठा अपना 1/2 घंटा उबाला जा चुका है और अब देखिए इसे बाहर निकाला जा रहा है। अब देखिएगा इस पेठे को फिर से बाहर निकाला जा रहा है कि थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया हो वो इसमें से निकल जाए और अभी भी इसकी फिर से धुलाई की जा रही है। धुलने के बाद पानी सारा निकाल लिया और अब ये डाला गया है चाशनी के अंदर। देखिए जितना भी निकला है वो सारा चाशनी में डाल दिया है और अंकल अभी चाशनी में कितनी देर उबाला जाएगा? 1.5 घंटे चाशनी में उबाला जाएगा 200 डिग्री टेम्परेचर पे। और अब पेठे में देखिए और चाशनी डाली जा रही है और चाशनी में अगले 1.5 घंटे पकता रहेगा। मेरा मानना है कि दुनिया में इससे ज्यादा हाइजीनिक कोई मिठाई नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आप वीडियो की शुरुआत में देख के बोल सकते हैं कि भाई वैसा है वैसा है। आप ये देखिए 200 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे पेठा उबल रहा है चाशनी के अंदर 1.5 घंटे तक। अब आप ही बता दीजिए इसके बाद इसमें कौन सा माइक्रोब जिंदा बचेगा। आप खुद देख सकते हैं 192 फॉरेनहाइट, इतने टेम्परेचर पर जो पेठा है वो उबल रहा है। तो इस टेम्परेचर पर मुझे नहीं लगता कोई माइक्रोब बच पाएगा। तो जेन्युइनली इससे हाइजीनिक मिठाई मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी। 1.5 घंटा हो चुका है गाइस, पेठा अपना चाशनी में पूरी तरीके से पक चुका है और अब इसे देखिए बाहर निकाला जा रहा है। वही 7 से 8 घंटे का प्रोसेस है, 4 बार धुलाई हुई है, 1.5 घंटे उबला है, तब जाकर अपना जो पेठा है वो तैयार हुआ है। कोई 1 घंटा हो चुका है, पेठा अपना कंपैरेटिवली ठंडा हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल के फैलाया जाएगा कि जितनी एक्स्ट्रा चाशनी है इसमें वो सारी नीचे आ जाए और पेठा थोड़ा ड्राई हो जाए और अब इसके ऊपर केवड़ा डाला जाएगा।
केवड़ा डालने के बाद देखिए इसे अच्छे से मिलाया जा रहा है कि खुशबू सारे जितने भी पेठा नजर आ रहा है आपको पूरे के अंदर खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो केवड़ा डालने के बाद देखिए इसे बाहर निकाला जा रहा है, अब इसे थोड़ा और सुखाया जाएगा और पेठा अपना फिर तैयार हो जाएगा। तो लेते हैं इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका। केवड़े की बहुत अच्छी खुशबू, परफेक्ट मिठास और टेस्ट जो आ रहा है सच में लाजवाब आ रहा है। 120 रुपए किलो से स्टार्टिंग हो जाती है मिठाई की, इसकी दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई में से एक है। मेकिंग हमने आपको दिखाई, इतने हाई टेम्परेचर पर बनता है तो बेहद हाइजीनिक हो गया, टेस्ट बढ़िया, प्राइस लाजवाब और पेठा आपको पूरे आगरा में मिलेगा। हम भी आगरा में इस बार 3 दिन मेहनत किए गाइस, तब जाकर हम वहां पहुंचे हैं जहां से पेठे की शुरुआत हुई। तो इस शॉप के जो ओनर है उनके पिताजी ने पेठा बनाना शुरू किया था और अभी भी यहाँ उसी रेसिपी से पेठा बनाया जाता है और वो स्वाद में एविडेंट है। जितने पेठे हमने आगरा में खाए हैं उनमें से विदाउट एनी डाउट सबसे स्वादिष्ट पेठा है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप आइए आगरा में 3-4 जगह पेठा ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पे आइए प्राचीन पेठा पर, यहाँ पे खाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे को ये पेठा बहुत पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। और गाइस अगर आपको यहाँ से ऑर्डर करना है तो अंकल एक बार आप नंबर बता दीजिए, कैसे ऑर्डर किया जाए? आप हमारी वेबसाइट www.prachinpeta.com पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। 9760049443 इस नंबर पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना ऑर्डर और यहाँ से मंगा सकते हैं।